हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले बिगिन और स्टार्ट के सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो आज हम बताएंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको इसका इस्तेमाल सिंस एंड फॉर एंड हैज बीन और हैव बीन के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा हैज बीन, हैव बीन, सिंस एंड फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, हैज बीन एंड हैव बीन। बट शायद अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स और लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि हैज बीन और हैव बीन किस तरह के सेंटेंसेस में लगाया जाता है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हम आज यही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और सारा का सारा कन्फ्यूजन आपको हम दूर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से अंत तक देखते रहना। तो ये मैंने एक टेबल बना कर रखा है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सेंटेंसेस में जब भी सेंटेंस में टाइम ऑफ पीरियड अगर परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड दिया हो तो सिंस लगाएंगे और परफेक्ट टाइम ऑफ पीरियड नहीं दिया हो तो फॉर लगाएंगे। सिंपल है, जैसे सोमवार से बुधवार से हफ्ता का नाम यानी कि सप्ताह का नाम नाम दिया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, तो वहाँ पर हमेशा सिंस लगेगा। और यहाँ पर दिन का नाम नहीं दिया हो, कुछ दिनों से, एक दिनों से, दो दिनों से, चार दिनों से, बहुत दिनों से, ऐसा रहे बट दिन का नाम ना दिया हो तो वहाँ पर फोर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा जनवरी से मार्च से यानी कि महीने का नाम दिया है, महीने का नाम दिया है, किसी भी मंथ का नाम दिया है कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, किसी भी महीने से, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। और जब महीने का या मंथ का नाम ना दिया हो, सिर्फ समय बताया जा रहा हो कि कुछ महीनों से, चार महीनों से, दस महीनों से, बारह महीनों से, इस तरह से बताया जा रहा हो तो वहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है 2004 से 1987 यानी कि साल, वर्ष, ईयर, जब ईयर का नाम दिया हो कि किस साल से, मीन्स किस साल से, किस ईस्वी से, 1987 से, 1920 से, या 1950 से, या 2008 से, कब से, तो वो जब परफेक्ट ईयर का नाम दिया हो तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। और जब परफेक्ट ईयर का नाम नहीं दिया हो, सिर्फ लिखा हो कुछ सालों से, बहुत सालों से, अनेक सालों से, दो सालों से, चार सालों से, दस सालों से, तो वहाँ पर फोर लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अब उसके आगे है टाइम। जब टाइम मतलब दो बजे से, चार बजे से, तीन बजे से, छः बजे से, मतलब बजे, जब बजे का चर्चा हो टाइम में कि इतने बजे से, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। जब टाइम का चर्चा बजे से ना दिया हो, जैसे दो घंटों से, घंटा दिया हो कि दो घंटों से, कुछ देर से, बहुत देर से, चार घंटों से, छः घंटों से, तो इस तरह के सेंटेंस में फोर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सिंस कहाँ कहाँ लगता है, तो जैसे बचपन से, जवानी से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, अगर ये इस तरह का हो तो वहाँ पर भी हम सिंस लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक एक करके अब ये मैं बता रहा हूँ कि हैज बीन और हैव बीन किस तरह के सेंटेंस में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप टेबल लिख लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। मैं इसे मिटाता नहीं हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं एक सेंटेंस भी लिख रहा हूँ कि वह चार दिनों से बीमार है, वह चार दिनों से बीमार है। तो इसमें यह चर्चा किया जा रहा है कि कोई भी काम कुछ पहले शुरू हुआ है और अभी तक है, वो कायम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब इस तरह की बातों का चर्चा हो तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम हैज बीन और हैव बीन से बनाते हैं। अब इसका मेकिंग फॉर्मूला क्या है कि ही हैज बीन, जहाँ पर हैव लगेगा वहाँ हैव लगाएंगे, जहाँ हैज लगता है वहाँ हैज लगाएंगे, ही हैज बीन। अब क्या है, बीमार है, तो सिक चार दिनों से। अब इसमें आप देखो दिनों से कहाँ चर्चा हो रहा है, इसमें फोर में, कुछ दिनों से, दो दिनों से, जब दिनों से लिखा रहा है तो वहाँ पर फोर लगाएंगे, फोर, फोर डेज। ठीक है फ्रेंड,
मैं 2 बजे से व्यस्त हूँ। मैं 2 बजे से व्यस्त हूँ, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन बिजी। अब 2 बजे से, तो बजे मैंने बताया था आपको कि जब भी बजे हो, यानी कि यहाँ पर 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से बजे आ जाए, तो आप पर आप आँख बंद करके सिंस लगा देना, ठीक है। तो सिंस 2 o'clock, ठीक है फ्रेंड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होने वाले हैज बीन और हैव बीन के बारे में और सिंस और फॉर के बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा उसमें भी हम हैज बीन, हैव बीन और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, बट उसका थोड़ा अलग है सिस्टम और इसमें थोड़ा अलग है। तो ये आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। राजू 4 सालों से टीचर है, तो राजू हैज बीन टीचर। अब यहाँ पे सालों से है, मीन्स साल का नाम नहीं बताया जा रहा है कि किस साल से है, कि 2004 से है, 2008 से है, किस साल से है, वो साल का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर फोर लगेगा, ठीक है फ्रेंड। 4 सालों से, देखो कुछ सालों से, 10 सालों से, तो 4 years। वह बचपन से तेज है, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रहा है, वह बचपन से तेज रहा है या है, तो ही हैज बीन इंटेलिजेंट। अब बचपन से, मैंने यहां पे लास्ट में लिखा था बचपन से, जवानी से, अगर ऐसा हो तो उसमें सिंस लगेगा, सिंस चाइल्ड हुड, ये चाइल्ड हुड लिखा है मैंने, आप समझ लेना। तो इस तरीके सेंटेंसेस बनते हैं, हैज बीन, हैव बीन और सिंस फॉर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ा इधर का उधर करना पड़ता है, इसलिए समझना ज़रूरी है कि जैसे पहले नेगेटिव लेते हैं कि वह सुबह से व्यस्त नहीं है, तो वह सुबह से व्यस्त नहीं है, तो ही हैज। अब इसमें यह कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि नॉट कहाँ लगाएंगे, हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे कि बीन के बाद नॉट लगाएंगे। तो सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले ही कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला, मेकिंग फार्मूला है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव है, तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अगर इसको हम ऐसा इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव कि क्या वह सुबह से व्यस्त है, तो हैज ही, फिर बीन यहाँ पे लगेगा। आप ऐसा मत करना कि हैज बीन ही, ऐसा नहीं, हैज ही बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अभी हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया हमने, अभी हम क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। वह कब से बीमार है, वह कब से बीमार है, तो जब भी कब से आए, कब से, ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कब से आए, कब से, तो आप सिंस व्हेन पहले ही लिख देना आप, सिंस व्हेन, इसका मतलब ही होता है कब से। तो सिंस व्हेन हैज ही बीन सिक, ठीक है। वे लोग सुबह से
कहाँ व्यस्त हैं, मतलब कहाँ व्यस्त है वो, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में व्यस्त है। तो वेयर हैव दे बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और सारा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हैज बीन हैव बीन किस तरह के सेंटेंस में लगाते हैं और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।